भागलपुर पीरपैती थाना क्षेत्र के कहलगांव टोला में बीती देर रात्रि जमीन विवाद को लेकर चार लोगों को गोली मार दी गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पीरपैती थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से घायल 45 वर्षीय विजय यादव, 25 वर्षीय चंदन यादव, बसंती देवी एवं सोनी देवी को पीरपैती रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए भागलपुर माइग्रेन अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि एक घायल विजय यादव की नाजुक हालत को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। वहीं घटना को लेकर घायल विजय यादव की पत्नी गीता देवी ने थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। गीता देवी ने बताया कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर 28 अगस्त को ग्रामीण एवं पंचों के समक्ष अपने अपने जमीनों की बंटवारा करना था, जिसको लेकर दूसरे पक्ष के लोग रामनाथ यादव के द्वारा बंटवारा नहीं होने दिया गया और बैठक को भी रोक दिया गया। साथ ही कहा कि दूसरे पक्ष का कहना था कि बंटवारा उनके अनुसार ही करना होगा, जिसके बाद ग्रामीण एवं पंचों के बीच सहमति नहीं बन पाई और इनके द्वारा जमीन हड़पने की नियत से बंटवारा नहीं होने दिया गया। इस बात को लेकर 29 अगस्त की रात्रि घर पर ही आरोपियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। इधर थाना अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि पुलिस काफी गंभीरता से कार्य कर रही है और मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में बंद कर दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे मारी की जा रही है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुर पंचायत वार्ड संख्या 8 में सरपंच की मौजूदगी में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए माइग्रेन अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इस मामले में पीड़ित सेविका रानी ने पंचायत की मुखिया से मिलकर घरेलू जमीन बात चलने की बात बताई, जबकि घर और जमीन का पूर्व में ही बंटवारा हो जाने की बात कही। साथ ही पीड़िता ने कहा कि उसका देवर, गोतनी और उसके पुत्र समेत करीब दर्जन भर लोगों ने सरपंच विमल किशोर यादव एवं वार्ड सदस्य के सामने ही उसके पति, पुत्र और उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं तिलकपुर मुखिया अमित कुमार का कहना है कि सरपंच के मौजूदगी में मारपीट होना गांव के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। घटना में हुआ है घरेलू झंझट। सबसे पहले जो बाबूजी पहले जीवित थे, उस समय में जब बाबूजी अलग हम लोग को कर दिए, मार झंझट बहुत हुआ था। उस समय भी केस मुकदमा बहुत हुआ था, हम लोग को थाना कर दिया था, जेल भी भोगे हैं। बाबूजी को जितना रिटायर में पैसा मिला, उसमें हमको सिर्फ 50,000 का जानकारी दिया है। आपके यहाँ जो झगड़ा हुआ? हाँ हाँ, सुनिए सब बताओ, सब बोल रहे हैं। बंटवारा को लेकर क्या बात? बंटवारा को लेकर यही बात है, जो कि बाबूजी बंटवारा जो कर दिए हैं सब पंच के समक्ष में, उसको उससे ये लोग पहले मान लिया, सब साइन भी कर दिया, 5 पंच भी साइन किया, उसका अब मोल ये लोग नहीं दे रहा है। बंटवारा का मोल नहीं, नहीं अब सस्ता है नहीं। मार पीट करके इस तीनों बाबूत को मार करके गिरा दो और उसके बाद फैसला होगा। पति की लंबी उम्र की कामना का व्रत हरतालिका तीज मंगलवार को महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ किया। इसको लेकर भागलपुर के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सुहागिन महिलाओं ने परिवार के सुख समृद्धि और पति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की, वहीं कहलगांव अनुमंडल में भी तीज पर्व आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान सुहागिनों ने पूजन कर हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखा और भगवान शिव, माता पार्वती और गणपति की विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही महिलाओं ने अखंड सौभाग्य और अपने सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की। तीज को लेकर कई स्थानों पर व्रती महिला सामूहिक रात्रि जागरण करती है, जबकि इसको लेकर पंडित राजेंद्र मिश्र ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत
किया जाता है, जिसमें सुहागिन महिला अपने पति की दीर्घायु होने और परिवार के सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान शिव की पूजा करती है। उन्होंने बताया कि अविवाहित कन्याएं भी योग्य वर की कामना को लेकर तीज का व्रत करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। बगहा के बड़गांव छोटकी पट्टी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के भोजन में कीड़ा निकलने की शिकायत स्कूली बच्चों ने की। बताया जा रहा है कि भोजन में कीड़ा निकलने से बच्चे आक्रोशित हो गए। इसके बाद जमकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ हंगामा करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727 पर आवागमन बाधित कर दिया गया। वही इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापिका सुनीला कुमारी के खिलाफ भी नारा लगाते हुए कहा कि अध्यापिका को पहले भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन उन्होंने भोजन में कीड़ा निकलने की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही कहा कि अगर स्कूल की प्रधानाध्यापिका सुनीला कुमारी द्वारा पहले ही कदम उठाया गया होता तो आज छात्रों की थाली में कीड़ा नहीं मिलता। इधर विद्यालय प्रबंधन की इस लापरवाही पर बच्चों के साथ ग्रामीणों ने भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग शिक्षा विभाग पदाधिकारियों से की है। खाना में जो है इतने पिलुआ था सब। प्रधानाध्यापक से कब शिकायत किया था? नहीं, जब जा रहे थे, मतलब जब हम रोड जाम कर रहे थे, सर मार के खेत पुला के ला रहे थे। भादो मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी को की जाने वाली प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा को लेकर देश भर में भक्ति और उत्साह का माहौल है। इसको लेकर भागलपुर में भी विभिन्न गणेश पूजा पंडाल में तैयारी की जा रही है। एक ओर जहां कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों तक किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, वही टीकाकरण और स्थिति सामान्य होने पर इस वर्ष फिर से सार्वजनिक रूप से मंदिरों और पूजा पंडालों में पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं गणेश महोत्सव को लेकर भी अलग अलग पूजा पंडाल में तैयारी अंतिम चरण में है। हर गणेश पूजा पंडाल में आकर्षक ढंग से पार्वती नंदन भगवान गणेश की प्रतिमा निर्माण की गई है, जिसकी पूजा को लेकर पूजा समिति समेत श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में घर से भागी एक नाबालिग को आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने बरामद कर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। मामले को लेकर चाइल्ड लाइन की पदाधिकारी रेणु गुप्ता ने बताया कि तारापुर के गनैली गांव के रहने वाली नाबालिग भावना कुमारी घर से प्रताड़ित होने के कारण फरार हो गई, जिसकी जानकारी मिलने पर आरपीएफ द्वारा नाबालिग को बरामद कर इसकी सूचना चाइल्ड लाइन को दी गई, जिसके बाद रेल पुलिस ने छात्रा को मालदा इंटरसिटी से लाकर चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया। साथ ही कहा कि इसकी जानकारी नाबालिग के परिजनों को देकर मामले की पूरी छानबीन की जाएगी। मौके पर चाइल्ड लाइन के पदाधिकारी एवं कर्मचारी सहित आरपीएफ और जीआरपी के कई जवान मौजूद थे। वो सही से खाना पीना नहीं देती है, इसीलिए हम घर से जा रहे हैं। कहाँ का है लड़की? ये गनेली कौन सा जिला है? ये तारापुर इसका थाना हो गया और मुंगेर जिला। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का भावना कुमारी है, इस बार मैट्रिक का एग्जाम दी है। हाँ, उसके पिता का? पापा का नाम हृदय पंडित है, तो इसके पापा बाहर रह रहे हैं, तो रातें भी ये लड़की यहाँ स्टेशन में थी। बड़ा मजबूत है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। Thank you.
आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। बिहार राज्य खेल सम्मान समारोह में भागलपुर के रग्बी खिलाड़ियों को कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस पर अलग अलग खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें अलग अलग जिले के खिलाड़ी को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया जाता है। इसको लेकर भागलपुर के 4 रग्बी खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित कर पुरस्कार राशि भी दी गई। राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत खिलाड़ियों में भागलपुर के प्रतीक राज, अंश कुमार, आकांक्षा कुमारी और चांदनी कुमारी शामिल है, जिसमें से चांदनी कुमारी से पूर्व भी 2 बार राज्य सरकार से बेहतर खेल के लिए पुरस्कृत हो चुकी है। वहीं खिलाड़ियों की सफलता पर भागलपुर रग्बी टीम और प्रबंधन के साथ जिले के लोगों में खुशी का माहौल है और रग्बी के जिला सचिव राज गौरव, कोच कुणाल गर्ग समेत सभी खेल प्रेमियों ने राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। भागलपुर के आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में गणित विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। विद्यालय स्तरीय गणित विज्ञान मेला का उद्घाटन मुख्य अतिथि TNB कॉलेज के प्रोफेसर राजीव कुमार सिंह, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भागलपुर के जिला समन्वयक डॉक्टर PK शरण, प्रवासी कार्यकर्ता विनोद कुमार और प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। गणित विज्ञान मेला में बाल वैज्ञानिक छात्रों ने विभिन्न विषयों पर अपने द्वारा बनाए गए साइंस मॉडल की प्रदर्शन लगाई, जिसमें शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग एवं तरुण वर्ग के छात्र छात्राओं ने भी अपने साइंस मॉडल को प्रदर्शित कर उसकी जानकारी दी। वहीं विज्ञान प्रदर्शनी में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा निर्धारित फाइबर एंड फैब्रिक, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फूड चेन इनोवेशन, साउंड वेव एंड मोशन विषयों के मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई। मौके पर बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे शिक्षक, अतिथि, बच्चों के अभिभावक समेत काफी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद रहे। कहलगांव शारदा पाठशाला स्थित टाउन हॉल में राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय से पहुंचे छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर कई कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं इस कार्यक्रम में शारदा पाठशाला समेत सरसहाय बालिका उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय चौथी टोला, SR इंटरनेशनल स्कूल, महालक्ष्मी कन्या मध्य विद्यालय के अलावा कई विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति दी। इधर कार्यक्रम में गणपत सिंह उच्च विद्यालय, लक्ष्मी कन्या मध्य विद्यालय और शारदा पाठशाला को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, जबकि इन सभी को कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी मधुकांत ने पुरस्कार देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश त्रिशित ने किया। मौके पर संयोजक प्रवीण राणा, गौतम चौधरी, संजीव कुमार समेत कई शिक्षक, शिक्षिका, छात्र छात्रा और पदाधिकारियों के साथ कई लोग मौजूद थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भागलपुर जिला परिषद का 24वां जिला सम्मेलन द्वारिका यादव नगर नवगछिया में संपन्न हुआ। इस दौरान सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने राजनीतिक एवं संगठन प्रतिवेदन पर बहस में हिस्सा लिया और उसे पारित कर बांका के धौरैया में 18 से 21 सितंबर तक वासुदेव यादव नगर में होने वाले राज्य सम्मेलन में प्रतिनिधियों का चुनाव कराने की बात कही। सम्मेलन में सर्वसम्मति से 45 सदस्यों वाले जिला परिषद का गठन किया गया, जबकि नवगठित जिला परिषद के सदस्यों सर्वसम्मति से बालेश्वर गुप्ता को सचिव और तुंगनाथ तिवारी एवं ब्रह्मदेव यादव को सहायक सचिव निर्वाचित किया गया। वहीं निवर्तमान जिला सचिव डॉ. सुधीर शर्मा ने कहा कि यह सम्मेलन RSS भाजपा गठजोड़ की सरकार को केंद्र से हटाने और वाम जनवादी सरकार बनाने के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए आयोजित किया गया, जिसमें कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मौके पर सम्मेलन के प्रवेक्षक विजय नारायण मिश्र, पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार, निवर्तमान जिला सचिव
सचिव डॉक्टर सुधीर शर्मा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।